Dear students, in our today's video, we are going to solve a case study based question and the topic is electric field. So, let's start. For electrostatics, the concept of electric field is convenient but not really necessary. Electric field is an elegant way of characterizing the electrical environment of a system of charge. Electric field at a point in the space around the system of charge tells you the force a unit positive test charge would experience if placed at that point without disturbing the system. Electric field is characteristics of the system of the charge and independent of the test charge that you place at a point to determine the field. The term field in physics generally refers to a quantity that is defined at every point in space and may be vary from point to point. Electric field is a vector field since force is a vector quantity. Now, the questions are, which of the following statement is correct? The electric field at a point is, and the answers are always continuous. Second, continuous if there is a charge at that point. Third, discontinuous only if there is a negative charge at that point, and fourth, discontinuous if there is a charge at that point. One by one इनको discuss करते हैं. देखिए, पहले वाला जो था always continuous, तो आपको पता है electric line of force always continuous नहीं होती है. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये positive charge है और ये negative charge है, and you know that electric line of force starts from the positive charge and एंड सेट नेगेटिव चार्ज. तो इस प्रकार से पॉजिटिव से स्टार्ट होके वो नेगेटिव ऊपर क्या होती है, एंड हो जाती है ना. इसका मतलब ऑलवेज कंटिन्यूस नहीं है. ए वाला क्या है, गलत है, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. बी, ऑलवेज कंटिन्यूस इफ देयर इज ए चार्ज एट ए पॉइंट. अब सपोज करो यहाँ पे कोई चार्ज है, तो इस चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बाहर निकलेंगी. पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्स इस प्रकार से बाहर जाएंगी, और कब तक बाहर जाएंगी, जब तक इनको नेगेटिव चार्ज नहीं मिलता. और अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं तो नेगेटिव चार्ज में लाइनें इस प्रकार से अंदर आएंगी, है ना. तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी पॉइंट के ऊपर एक सिंगल चार्ज है तो फील्ड लाइनें हैं वो क्या है, कंटिन्यूस है. अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज से लाइनें तब तक आप बाहर की तरफ चलते जाएंगी, वो टर्मिनेट नहीं होंगी जब तक उनको नेगेटिव चार्ज नहीं मिलता है. मतलब कंटिन्यूस तभी हो सकती है जब वहाँ पे क्या हो, कोई चार्ज हो. तो इसका मतलब क्या हुआ, बी वाला जो स्टेटमेंट है, बी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. कंटिन्यूस इफ देर इज ए चार्ज एट ए दैट पॉइंट. अगर किसी पॉइंट के ऊपर चार्ज है तो क्या है, वो कंटिन्यूस है, अदरवाइज वो कंटिन्यूस नहीं है. ओके, और नेक्स्ट भी डिस्कस कर लेते हैं. डिसकंटिन्यूस ओनली इफ देर इज ए नेगेटिव चार्ज, स्टेटमेंट भी गलत हो गया. एंड डिसकंटिन्यूस इफ देर इज ए चार्ज एट दैट पॉइंट, ये भी गलत हो गया अपने आप ही. तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट बी है वो बिल्कुल सही है. तो आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, बी रहने वाला है. नंबर टू, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज. फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड. थर्ड, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अब देखो फोर्स यूनिट इज न्यूटन, चार्ज यूनिट इज मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन पर कूलम. चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम. सी, सी इज द राइट आंसर, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम. फोर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज सच दैट एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल टू इट्स वेट इज गिवन बाई. देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यू इन टू ई, और क्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम लिख देंगे ई इन टू ई, बिकॉज ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. सो क्यू ई कैन बी रिटन एज ई इन टू ई, तो आप क्यू ई नहीं ई इन टू ई लिखेंगे. दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, वेट के बराबर है, और वेट को हम क्या लिखते हैं, एमजी लिखते हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसके बराबर हो जाएगा, एमजी डिवाइडेड बाई ई, क्या हो जाएगा, एमजी डिवाइडेड बाई ई. आंसर बी इज द राइट. क्वेश्चन नंबर फाइव, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, किस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे यहाँ पे तो आपको आंसर्स में क्या दे रखा है, सोर्स चार्ज क्यू ओनली, टेस्ट चार्ज क्यू ओनली, बोथ क्यू एंड क्यू नॉट ओनली, एंड नाइदर ऑफ द. किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लीजिए
आपके पास कोई ये पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट, और सपोज करो चार्ज यहाँ पे है, तो यहाँ के पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आर तो फिक्स हो ही गई ना, और यहाँ पे सपोज करो चार्ज कितना है क्यू, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे ई का फॉर्मूला, तो आपके पास कितना आता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या, के कॉन्स्टेंट आई, पॉइंट पर्टिकुलर बोल दिया तो आर भी कॉन्स्टेंट हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड किया, चार्ज के ऊपर। ये चार्ज कौन है, ये सोर्स चार्ज, तो आंसर आपका क्या आएगा, सोर्स चार्ज क्यू ओनली। आंसर 5 का आंसर इज द राइट आंसर।